तो कैसे हैं आप? आज हम आईकॉम पार्ट टू का नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं, वो है बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, अब जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बड़ा अहम सवाल है, इसमें से सवाल जो है वो लाजमी आते हैं। हम सवाल आपको करवाएंगे अजीम अकेडमी के बुक से, क्योंकि आपका पेपर भी उस पर ही से बनता है। अब एवरेज क्या होती है किसी भी चीज़ की औसत कहीं? अब हमारे पास जो अगर हम एवरेज की बात करें तो उसकी होती है, दे आर फाइव टाइप्स ऑफ एवरेज, पांच होती हैं। लेकिन क्योंकि ये आइटम पार्ट में तो इसमें हम जो है तीन कहेंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल कितने हैं। जी, फर्स्ट आपका है मीन, सेकंड मीडियन, और थर्ड आपके पास है मोड, फोर आपके पास है ज्योमेट्रिक मीन, और फाइव आपके पास है हार्मोनिक हार्मोनिक मीन मीन। जो ये तो मेथड है, ये आपके ICS स्टैटिक्स या BCOM पार्ट वन में पूछे जाते हैं। लेकिन IIM पार्ट टू की बात करें तो उसमें सिर्फ आपके यही तरीके हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन आने हैं। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका ये मीन से। पहले हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, मीन। मीन क्या होता है उसको उर्दू में कहते हैं हिसाबी औसत। मैट्रिक क्लास में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब पहले क्या होता है कि हम डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी क्या है। मीन इज़ अ वैल्यू ऑब्टेन का मतलब होता है हासिल करना, बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ All values by their numbers. It is denoted by x bar. अब अच्छी तरह से देख लें, आप लोगों को नजर आ ही रहा होगा कि mean is a value obtained by dividing the sum of all values by their numbers. It is denoted by x bar. ये जो ऊपर इसका निशान लगा ना, इसको हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। मीन क्या होता है कि आपको जितनी वैल्यूज दी जाती हैं उसको आप क्या करते हैं, प्लस करते हो, और प्लस करने के बाद उन वैल्यू की जितनी तादाद होती है उसी को इसके ऊपर जमा कर दिया जाता है, उसको हम मीन कहते हैं। और मीन को हमेशा जो है बार के निशान से जो है शो किया जाता है, ऊपर ही आपको बार का निशान लाजमी नज़र आएगा। अब मीन के फार्मूले दो तरीके से होते हैं, आप देखिए टाइप्स ऑफ मीन कौन कौन से होते हैं ये आपको बताते हैं। एक आपके पास आता है ग्रुप डाटा, ठीक है, ये देख लें, एक आपके पास आता है ग्रुप डाटा, दूसरा आपके पास आता है अनग्रुप डाटा। अब अनग्रुप डाटा में मीन के फार्मूले होते हैं अलहदा, और ग्रुप डाटा में मीन के फार्मूले होते हैं अलहदा। बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं, बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। आपको ये पता चलेगा कि ग्रुप डाटा में कौन कौन से फार्मूले लगाने हैं और अनग्रुप डाटा में कौन कौन से फार्मूले लगाने हैं। हमारा है अनग्रुप डाटा, ठीक है, अनग्रुप डाटा किसके फॉर्मूले करने वाले हैं, मेन के। ये भी जेने उठा लें, बारी बारी करेंगे। अनग्रुप डाटा क्या होता है, ठीक है, इन विच डाटा इज नॉट अरेंज, देख लें, इन विच डाटा इज नॉट अरेंज। नाम से पता चल रहा है कि अनग्रुप डाटा, जिसमें डाटा को कोई तरतीब ना दी गई हो उसको हम अनग्रुप डाटा कहते हैं। अब अनग्रुप डाटा मीन के जो है तीन तरह के फार्मूले होते हैं, वो भी हम आपको बताने लगे हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट जो मेथड है उसका नाम है डायरेक्ट मेथड। क्या नाम है, डायरेक्ट मेथड, बड़ा ईजी है ये भी। अब डायरेक्ट मेथड में मीन का फार्मूला क्या होता है, ये भी देखें, ये देखें एक्स बार, ये देखें बार का निशान आ गया, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। जो ये निशान ना, इसका मतलब होता है समेशन,
यानी सम करना। समेशन का मतलब है किसी चीज़ का क्या करना, टोटल करना। अच्छी तरह से फॉर्मूले देखिए, पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अक्सर एग्जाम्स में वो आपसे कह देते हैं कि आपने इस तरीके से नहीं निकालना, इसलिए आपको सारे ही मेथड आने चाहिए। अगर वो ना पूछे तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड जो है अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन ऊपर नहीं होती है। लेकिन अगर वो पूछेगा तो आपको उसी मेथड से जो है ना वो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास मेथड है वो है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, या दूसरा नाम इसका आप ये भी कह सकते हैं, वो आता है शॉर्ट कट मेथड। नाम देख लें आप इसके अच्छी तरह से, इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड, दोनों में से कोई नाम पूछ लेते हैं तो आपने जो है घबराना नहीं है, वही तरीका। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। अब ये ए क्या होता है, कोई भी रकम जो फर्ज करे। अब कोई भी रकम जो फर्ज करे इसका मतलब ये नहीं जो आपके जहन में है, जो आपको सवाल दिया होगा ना उसमें से आपने कोई वैल्यू जो है फ़र्ज करनी है। और डी किसके बराबर होता है, डी होता है इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी आपको एक्स की वैल्यू गिवन होगी और उसमें हम कोई सी वैल्यू क्या करेंगे, ए को पुट कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अभी क्वेश्चन कैसे करना है ये हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि अनग्रुप डाटा में कौन कौन से फार्मूले आते हैं, ताकि आप उसे अच्छी तरह से जो है अपने जहन में उठा लें, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपकी जहन नशीन अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है तीसरा और लास्ट मेथड अनग्रुप डाटे का, उसका नाम हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, या एक और नाम भी इसका आता है उसे कहते हैं कोडिंग मेथड। दो नाम है इसके, वो देख लें आप, स्टेप डेविएशन मेथड या कोडिंग मेथड, ज़्यादातर वो स्टेप डेविएशन के नाम से ले लेते हैं, इसलिए दोनों नामों का आपको इसलिए बताया ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। अब इसमें फार्मूला क्या इस्तेमाल होता है, देखिए जी, एक्स बार इधर भी ये इस्तेमाल होना है प्लस समेशन यू डिवाइडेड बाय एन। अच्छा, दो तरीके होते हैं, बाद जगह पर एच लगाया हुआ है, ठीक है, और बाद जगह पर सी लगाया है। दोनों का मतलब ही क्या होता है, इंटरवल। इंटरवल का मतलब होता है वक्फा, यानी आपके पास जो उन्होंने वैल्यूज दी हैं उनके बीच में कितने का वक्फा है, 10 का है, 20 का है, 30 का है, 40 का, वो सारा उसका मतलब उसे हम कहते हैं इंटरवल। वही ए इसमें वही चीज़ है, कोई भी रकम फर्ज करें। अब कोई भी रकम फर्ज करें, यहाँ पर आपको क्लैरिफाई करवा दें कि जो रकम आपने लेनी है वो लेनी है जो आपको गिवन वैल्यूज दी होंगी, किसकी, एक्स की। अब ये समेशन यू किस तरह निकलता है, देखिए जी, एक्स माइनस ए, अब क्योंकि यहाँ पर इसका इंटरवल इस्तेमाल है, आप दोनों में से एच इस्तेमाल कर लें या सी इस्तेमाल कर लें, कोई गलत नहीं होगा, सही होगा। इसके नीचे आप लगा लें एच, यानी क्या करना है, एक्स की वैल्यू माइनस होगी ए से और जो भी आंसर होगा उसको आपने एच से डिवाइड करना है। तो ये तीनों आज हमने आपको अनग्रुप डाटा में मीन के फार्मूले बता दिए हैं, इसको अच्छी तरह से आपने जेहन में बैठा लें। जब आप बैठा लेंगे फिर हमारे लिए सवाल करना बहुत आसान होगा, बहुत ईजी होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए हुए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसकी अपडेट्स मिलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहले ही बताया कि इसको एक चेंज बताने, कोई अच्छी चीज़ सीखी है तो उसे अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।